चर्चा में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर के, और काले अध्याय की चर्चा संसद में भी हुई, बाहर भी हो रही है। विपक्ष इसे लेकर के नाराजगी जरूर जाहिर कर रहा है, लेकिन अगले 5 साल सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस देश को आगे लेकर के जाएं और जो गलतियां पीछे रह गई हैं उन गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल इसमें 5 के प्रहार में इतना ही, लेकिन आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण खबर कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव आने के बाद कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया, जोरदार हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बाबा साहब के संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया है। सदन ने इस बात पर दुख जताया है कि आपातकाल में इंदिरा सरकार ने कैसे हमारे संविधान की भावना को कुचलने का काम किया था, और इस प्रस्ताव ने आपातकाल के काले कालखंड में संविधान में किए गए कई संवेदनशील संशोधनों से कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता को एक्सपोज करने का काम किया है। यह गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो चलिए इसी के साथ ही 5 के प्रहार में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।